से नीचे से आपको स्टिच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो बॉल दिख रहा है, बॉल के नीचे से आपको स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रहिए फ्रेंड, ये जो बॉल देख रहा है, बॉल के नीचे से आपको स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो अब दिख रहा है, जो अलग रंग का जो मैंने धागा से बांध लिया है यहाँ से, तो ये एक किसी तरह का धागा इसमें नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और हम एक पोटी लगाएंगे यहाँ से, तो पोटी हम कैसे लगाएंगे सीख, पहले वाला जो डिज़ाइन का जो दिखाया हमने, जो इस मेरा इस स्टिच लास्ट में होता है, तो इस स्टिच का लेफ्ट में हम देंगे, ठीक है। और मेरा तो चाप है राइट में, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको घुमा के करेंगे ऐसे। तो मेरा जो डिज़ाइन जो बॉल है ना, वो राइट साइड में चला जाएगा, और मेरा जो पोटी है, पोटी नीचे से चला जाएगा, नीचे में पोटी, ठीक है। इसी तरह हमको करना है। जैसे कि मैंने बोला फ्रेंड, ये जो स्टिच हमने दिया है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं हम स्टिच के, हम पहले ये से घुमा लिया, ठीक है। घुमाने के बाद हम घूम गया, तो पहले हम लेफ्ट बोला था, तो हम आपको राइट में स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है। जेहेतु हमका डिज़ाइन इस टाइप इस राइट में है, ठीक है, और हमारा काटा चाप इस टाइप का है, ठीक है, तो इसलिए हमको स्टिच राइट साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, मैंने बोला था जो आपको जो चाप है ना, चाप को इसी तरह थोड़ा सा ऊपर में उठा कर रखना पड़ेगा, जो ये जो मोटा वाला है, तो मोटा वाला है, इसलिए हम चाप को उठा कर करेंगे। और एक से अंदर ये किस टाइप का हो रहा है, मेरा जो दो आंगुल अब समझ लीजिए, तो एक से डालकर ये जब नीचे जा रहा है, नीचे से अगर उठ रहा है, तो आपको स्टिच काट जाएगा और बहुत से प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं टाप इसी तरह के करके रखेंगे, ठीक है। और आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपका इस टाइप का कॉटन बॉल है, आपका शूज अगर इधर उधर हिल जाएगा तो ये टूट जाएगा आपका शूज, ठीक है। बहुत ही ध्यान में रखना, रख के ये डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा। जैसे हमने घुंघरू डिज़ाइन, घुंघरू कैसे लगाता है वो बताना, उसी टाइप का ही एक डिज़ाइन है, ठीक है। तो दिखाए फ्रेंड, तो ये जो हम लोगों का जो डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है। और आपको एक चीज़ में ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको जब हम कंप्लीट हम फ्रेश करेंगे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से, और ये सभी का घुमा देना ऊपर से, ठीक है, इसी तरह आपको रखना है, और उसके बाद एक चाप देना है यहाँ से आपको, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, दिख रहा है आपको कैसे करना है। और इसके करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज आपको आप लोगों को साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको ध्यान में रखकर ये सब करना पड़ेगा। पहले तो ये है, आप जब काम करेंगे, काम करने एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो आपका जो मेज़रमेंट है ना, ऊपर वाला का जो मेज़रमेंट है ना, इसको आपको हमेशा ठीक रहना चाहिए। कोई भी आप डिज़ाइन करें, तो इससे आप मेज़रमेंट एक ही समांतराल में आपको
रखना चाहिए इसको, और एक से बाद एक और एक के बाद एक और एक के बाद एक इसका जो मेजरमेंट है ना, तो इस मेजरमेंट को आपको सही रखना पड़ेगा, ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद। और हमने जो इसका अंदर जो बॉल बॉल घुसाया हुआ है इसका अंदर, तो इस बॉल को इसी तरह के रखना चाहिए, डिज़ाइन करने वक्त आपको ठीक से इसी तरह रखना है आप लोगों को, ठीक है। और ये चीज़ हमने क्लोज किया है, आप डिफरेंट थोड़ा सा गैपिंग करके कर सकते हैं आप या को, और चाप देने के बाद ये सब एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं, हम ये अलग से किया है, तो पहले मैंने बोला था ये डिज़ाइन को गैपिंग करेंगे, ठीक, गैपिंग अगर करोगे तो इसके बाद एक गैपिंग नहीं चलेगा, इसके बाद ऐसे ऐसे भी कट हो सकता है ये डिज़ाइन का, तो आप कहीं भी इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। और एक टाइप का हम दिखाएंगे, जो ऊपर वाला ये झुमका वाला हम डिज़ाइन नहीं देंगे, हम सिर्फ बॉल देकर हम करेंगे, तो ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। और इसको हम कैसे करना है, ये जो पोटी है ना, ये कांचा पोटी है, यह सब दिख रहा है, ठीक है, तो कोई पाका पट्टी नहीं है यहाँ पर, तो हम जैसे पहले किया है उसी टाइप को हम करेंगे, देख रहे हैं। और आपको जब करना चाहिए स्टिच, तो ये जो स्टिच देख रहे हैं आप, ये स्टिच का राइट साइड में देना पड़ेगा आप शेप, आप अगर कहीं भी कोई डिज़ाइन करे तो ये जो स्टिच आप देख रहे हैं बांधने का मैंने वादा है यहाँ से, तो इसके राइट में आपको स्टिच करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, ये वाला देखिए, ठीक है, हो गया। और हम दिखाइए, गैपिंग करके हम दिखाएंगे आपको, दिख ही गया, तो हम इसको गैपिंग करके दिखा रहे हैं हम, ठीक है फ्रेंड। आपको चाप को इसी तरह ऊपर रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये जो गैपिंग हम दे रहे हैं, एक से एक गैपिंग, एक से एक गैपिंग, दूसरा का गैपिंग सब एक होना चाहिए, ठीक है। और इसका ऊपर में जो मेजरमेंट है इसी को ठीक रखना पड़ेगा आपको डिज़ाइन करने के लिए, ये सब ध्यान में रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिज़ाइनर है तो भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जब कैसे डिज़ाइन करना होता है आपका, जब लेबर किस टाइप का डिज़ाइन करके करके आपके पास ले आया, आप उसका भूल आपको ढूंढना पड़ेगा वहाँ से, जे क्या भूल क्या क्या गलत किया वहाँ से, ठीक है। तो और हम ये हम दिखाया और हम नहीं दिखाएंगे, इससे क्या कहते हैं, और उसी टाइप का जो एक पट्टी लगाते हैं यहाँ पर, पट्टी हम देखा है फ्रेंड, इसको इसी टाइप का पट्टी देना पड़ता है, उसमें पट्टी देने से क्या होता है, जब पहले वाला हमने दिखाया है यहाँ पर, देखिए ये पट्टी अगर आप दोगे तो ये डिज़ाइन वाला नहीं दिखेगा कस्टमर को, और इसको आप हेम कर सकते हैं और डबल चाप भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और हमने जो दिखा है ये वीडियो, इसका 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 देखिए ये कैसे हम करते हैं यहाँ से, आई देखिए हमने पोटी यह से नहीं लगा है कि, क्योंकि हमने दोनों पहले जो डिज़ाइन किया था उसमें दिखा है जी कैसे पोटी लगाता है, तो हम इसमें पोटी नहीं डाला है, ठीक है फ्रेंड। आप इस टाइप का भी डिज़ाइन कोई भी कर सकते हैं, फिर से बता देता हूँ फ्रेंड, तो हम लोग जो यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, तो इसका कोई लेवल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम क्योंकि ये किस लिए किया है आपको समझने के लिए हमने किया है यहाँ पर, तो एक से ये वाला जो गैपिंग हमने माझखान का जो गैपिंग हमने दिया है वही गैपिंग को आपको डालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, ये गैपिंग इस टाइप का होना चाहिए और इसके बाद इस टाइप का होना चाहिए, एक बार आप क्लोज भी कर सकते हैं ये डिज़ाइन को, ठीक है, इसी तरह आप क्लोज भी कर सकते हैं आप डिज़ाइन को,
ठीक है, इस टाइप का भी कर सकते हैं आप डिज़ाइन को, और कलर कलर कॉम्बिनेशन। और ये जो स्टिच हम यह पर जो बांध रखा है, जो धागा से हम बांध रहे हैं, धागा से हम बांध रहे हैं यह से, ये स्टिच आपको नहीं दिखना चाहिए डिज़ाइन में, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, और ये नॉलेज मैंने जो अभी बताया आपको, तो ये ध्यान में रखकर ये डिज़ाइन को आपको करने पड़ेगा, ठीक है। तो देखा, बोला था मैंने तीन डिज़ाइन कैसे रेडी किया है इसमें, इसमें और पट्टी अगर नहीं डाला तो इस टाइप का होगा। ये देखिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने पट्टी जोड़ देता हो यहाँ से, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और उससे क्या होगा, मेरे इंटरनेट पर जो भी वीडियो डालेंगे वो खुद ब खुद आपका चैनल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और जो फ्रेंड मेरा वीडियो देख रहा है काफ़ी दिनों से, उसके मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। अब इसी तरह घर में बैठकर मेरा वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।